शर्मा मैम, माई सेल्फ वंदना शर्मा, और मैंने ये मैम की बुक एस चांद पब्लिकेशन से मंगाई, जो मुझे विद इन 24 आवर्स में रिसीव हुई, और इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मुझे मिला। इस बुक, ये बुक क्योंकि डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम ने लिखी है, तो ये अपने आप में ही संपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस बुक का छोटा सा एनालिसिस आपको मैं इस बुक का करके दिखाती हूँ। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक ऑफ दिस बुक। यस, हैज अ फर्स्ट पेज ऑफ द बुक एंड यस ऑफ कोर्स डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इस बुक में मैम, जब मैंने ये अबाउट द ऑथर वाला पेज जब मैंने इसमें ये देखा था, अबाउट द ऑथर, यस मैम, इस अबाउट द ऑथर वाले पेज को मैम देख के, ये आपकी फोटो देख के मैम, मुझे ड्यूरिंग द क्लास वाली आपकी फेस बहुत याद आया। यस मैम, और मैम इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैंने जैसे पहले ही कहा, क्योंकि ये बुक डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम ने लिखी है, तो ये अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, बट फिर भी मैं इसके कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। स्ट्रेटजी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैम ने इन में स्ट्रेटजीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बट बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कब क्या करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी चीज़ें बताया है, टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी, कंसेप्ट्स को क्लियर करना, रिवीजन, तो ये मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें क्लियर किया है। उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव इसमें जो लगा, जो फर्स्ट थिंग मुझे अट्रैक्टिव लगी, दैट इज़ इंडेक्स। यस मैम, दैट इज़ इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स से ही ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस बुक में जो कंसेप्ट हैं वो कितने डेप्थ में हैं। हम देख सकते हैं एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैम ने कितने सारे पेजेस यूज़ किए हैं, कितने सारे पेजेस हैं, तो इट मीन्स इसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ में स्टडी है। उसके बाद मैं सभी में, हर एक चीज़ में 445 से 456 है ना, इतने सारे इसमें पेजेस हैं। वो पेजेस इसीलिए ही हैं क्योंकि मैम ने बहुत ही ज़्यादा डीप में अपना जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया है। मैंने इस बुक में से, इस बुक से अभी जो चैप्टर, जो चैप्टर मेरा चल रहा है वो है पैडागॉजी एंड्रागॉजी, क्योंकि हमारा क्लास में भी वही चैप्टर चल रहा है, तो इसीलिए मैंने वही चैप्टर स्टार्ट किया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है मैम ने। एक बच्चों ने अच्छा रिव्यू दिया था कि कोई भी, आइदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कोई भी बच्चा इसको इजीली मतलब पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजीली है। कंसेप्ट मैप्स हैं, डायग्राम्स, जो हमें एट लास्ट मोमेंट पे जिसकी नीड होती है कि हम सिर्फ एक गो थ्रू होते हैं और हमें समझ याद रिकैप हो जाता है। और इसमें जो पूरी बुक में है, वैसे तो ये चीज़ जो मैम ने ये दिए हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, यस रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक डेट, ये कब एग्ज़ाम कब हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है, मैम ने ये भी लिखा है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमें ये बताने में कि हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें कैसे एक एक लाइन से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल है। जैसे मैम कहती ही हैं क्लास में कि क्वेश्चंस हमारे कहीं से भी आ जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो ये उसी टाइप से है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा। मैम ने रियली, मैम अ वेरी बिग थैंक्स टू यू, आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे एफर्ट्स हम लोगों के लिए किए हैं, एंड नाउ इट्स आवर टर्न दैट वी पे बैक टू यू, एंड आई थिंक आवर पे बैक इज दैट व्हेन वी क्लियर द नेट JRF इन दिसंबर 2023। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम, थैंक यू सो मच।